हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा एक यूनानी प्रोडक्ट है जो कि हम यूनानी मेडिसिन भी कह सकते हैं, जिसका नाम है हमारा मजून ए सुरंजन। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका नाम मजून ए सुरंजन। तो इस वीडियो में हम जो ये हमारी यूनानी फॉर्मुलेशन है, मेडिसिन है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारी ये मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन जिसे हम आयुर्वेदिक भी बोल सकते हैं, इसका क्या यूजेस है और कब डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को गाउट्स की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम अर्थराइट्स भी कह सकते हैं, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को रूमेटाइड अर्थराइट्स हो गया हो, उसमें उसके बहुत ही जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसको बैठने में दिक्कत हो रही है, और यह भी देखा गया अगर उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी हो जा रहा हो, मतलब ये भी देखा गया अगर किसी व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, अब वो सर्वाइकल हो या एल्कोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस यूनानी मेडिसिन को। और यह भी देखा गया अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जा रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस यूनानी मेडिसिन को। इसमें क्या होता है, एंटी एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है अगर दर्द वर्द भी होता है तो उसको कम करने में बहुत इफेक्ट करता है, और अगर उसको सूजन भी हो जा रहा है उसमें भी इफेक्ट बहुत करता है। तो यही देखा गया कि अगर डिफरेंट टाइप के जो भी अर्थराइट्स हो या उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस यूनानी मेडिसिन को, जिसे हम आयुर्वेदिक भी बोल सकते हैं, तो उसी समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है दवाई को। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के एडवाइस से लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो इसको आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप इसके लेवल पे देख सकते हो, आप 5 से 10 ग्राम ले सकते हो, वो आप ल्यूक वर्म वाटर मतलब गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो और ठंडे पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन गर्म पानी के साथ लोगों तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ही आप दिन में 2 बार या डॉक्टर आपको दिन में 3 बार भी बोल सकता है, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस से ही आपको लेना चाहिए। और अगर ये मोस्टली बड़े लोगों को दिया जाता है, जैसे कि 18 साल से ऊपर, लेकिन डॉक्टर अगर कोई 7 साल से ऊपर बच्चा है तो उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन है जो कि हर्बल होती है। तो दोस्तों, यही है कि यह कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रहनी चाहिए। पहले तो अगर आपको सावधानियाँ ये रखना चाहिए कि डॉक्टर से ज़रूर बताइए कि अगर आपकी कोई अदर मेडिसिन चल रही है, और अगर छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और इसको लेने के बाद अगर आप को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अनडिज़ायरेबल आपको साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। वैसे कि तो ये आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखने के चांसेस हो नहीं सकते, बट फिर भी कभी कभार हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।